ओके, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आज के स्पेशल होस्ट, स्पेशल एजेंट मिस्टर शारदा प्रसाद यादव को फॉर अ नाइस होस्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच शारदा सर फॉर इनवाइटिंग एंड योर नाइस होस्टिंग। सो अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ एटोमी टीम वॉरियर के सभी ग्रेट लीडर्स को ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर एटोमी टीम वॉरियर फैमिली, ऑल सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, ऑल एजुकेशन सेंटर हेड, एंड स्पेशली हार्टफुल थैंक्स टू अवर नेपाल टीम ऑल्सो अवेलेबल टूडे ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जनक भट्टराई। सो वी विल वेलकम बाई हार्टली अवर ऑल नेपाल लीडर्स। सो टुडे सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एटोमी डेली एक्शन प्लान, एटोमी ऑटो एजेंट लेवल और एटोमी सेवन अप्स। ये सॉरी सेवन अप्स है, राइट? सो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीटिंग के अंत तक, लास्ट तक बने रहें, और जब आप एटोमी में ज्वाइन होते हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या एक्शन प्लान लेना है, राइट? एटोमी के अंदर आपको कौन से एक्शन प्लान लेने हैं, और काफ़ी लोग ज्वाइन होने के बावजूद लोगों को पता नहीं कि आपको क्या क्या एक्शन लेना होता है। तो आज के सेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगले 40 मिनट सभी लीडर लास्ट तक कनेक्ट रहें, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, एक वे ऑफ वर्किंग वे मिलेगा कि एटोमी में रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपको कौन कौन से एक्शंस लेने होते हैं, और अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने प्लान को फॉलो करते हैं, तो आपकी सक्सेस को यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। और बेसिकली बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन रेडी की है मैंने, जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है, और इसी के बेस पे हमने अभी तक लास्ट 2.5 ईयर से, जब से लॉन्च हुई है एटोमी और प्री लॉन्च से लेकर के अब तक हमने काम किया, राइट? तो अगर आप एटोमी में सक्सेस होना चाहते हो तो रियली आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ज्वाइन होने के बाद अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आप अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा डेली बेसिस पे, गुड हैबिट्स। ओके, और वो हैबिट्स कौन सी हैं जो आपको एटोमी के अंदर सक्सेस दिलाएंगी और एक ग्लोबल लीडर बनाएंगी। और एटोमी में ज्वाइन होने के बावजूद अगले 1 से 2 साल में आपका जो पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली वो 180 डिग्री चेंज होता है यहाँ पे, राइट? क्योंकि सिस्टमेटिकली अगर आप लोग काम करते हो तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आता है, और आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो हमेशा हमें लाइफ में अपग्रेड करते रहना है और लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सो एवरीबडी इज हेयर अ लॉन्ग लाइफ लर्नर्स, तो हमें फॉलो करना है सारी की सारी चीज़ें जो हमें सक्सेस दिलाएंगे, राइट? सेकेंड इस पे बात करेंगे हम एटोमी ऑटो एजेंट लेवल, जिसका जिस लीडर का 3 लाख TV होता है, और टीम के अंदर मैक्सिमम लोग अगर 3 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है, तो ऑटो एजेंट लेवल के क्या क्या बेनिफिट्स है, एक अच्छा अर्निंग वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद एटोमी एंड सेवन अप्स, एटोमी के सेवन अप्स कौन से हैं, राइट, जो आपको हमेशा अप रखेंगे, तो आपको एटोमी के सेवन अप्स को फॉलो करना है, राइट? सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सभी लीडर्स को लास्ट तक बने रहना है। और सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि एटोमी का जो प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे अभी तक आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी का, डेफिनेटली किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है, सो वो आप एक्सपीरियंस उसी कंपनी के साथ रखिए। यहाँ पे आप लोगों को अगर सक्सेस होना है एटोमी के अंदर, तो अपने बकेट को एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लॉजिकली ज्ञान के भंडार को भरना है, और पिछला जो बकेट है उसको खाली करते रहना है। आई मीन टू से, अभी तक आपका जो भी एक्सपीरियंस है पीछे का, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने का अलग अलग तरीके होते हैं, या आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, दैट्स नॉट ए मैटर। यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, और आपका एज इंडिया में 18 साल, ग्लोबल मेंबरशिप 20 ईयर्स। सिंपल ये चीजें चाहिए, और कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं। तो सबसे पहले आपको इस मॉडल को समझना होगा कि आज के टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो, समय के साथ चलते हो, तो यहाँ पे आप कंपीट कर पाओगे अपने आप को, और अगर आप समय के साथ नहीं चलते हो तो आप लोग अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो बदल दिए जाएंगे, जस्ट लाइक नोकिया। ओके, सो नोकिया और सैमसंग का आप लोग कंपेयर कर सकते हो। नोकिया ने एंड्रॉयड वर्जन में अपने आप को कंपेयर नहीं किया, अपडेट नहीं किया, मार्केट के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, तो आज वो कंपनी फिनिश हो चुकी है। तो सेम वे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लोग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करते हो, और ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल है हमारा। ओके, सो करंट मार्केट का जो ट्रेंड है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप करंट मार्केट के ट्रेंड के अनुसार काम नहीं करते हो, तो अगले 3 से 4 साल में हम खुद लोग बदल दिए जाएंगे, राइट? सो एटोमी का जो बिजनेस मॉडल है, आपको पता है ये एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है और ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस है, राइट?
डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस के मॉडल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये एक ग्लोबल बिजनेस है, यानी कि आप अपना जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो ग्लोबली आप लोग कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। सो अगर आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के मॉड्यूल को समझना पड़ेगा, ओके। और इस बिजनेस का जो मॉड्यूल है उसमें आप अपने आप को फॉलो कीजिए ग्लोबल बिजनेस के साथ। सो ये ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है ये एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पूरे वर्ल्ड के लीडर हो आप। इंडिया में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के लीडर हो। एटोमिका डायमंड मास्टर, पूरे वर्ल्ड में डायमंड मास्टर कहलाओगे आप, पूरे वर्ल्ड में सेल्स मास्टर कहलाओगे आप। सो दैट्स बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपकी जो क्वालिटी है, अभी तक आप कहीं भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट्स नॉट ए मैटर, लेकिन वहां पे आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। हम जॉब के माध्यम से हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, और सभी के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर छुपा हुआ था, लीडर आपके अंदर है लेकिन उसको निकालने का बाहर आपको मौका नहीं मिला आज तक, ओके। सो यहाँ पे आपके अंदर जो पर्सनैलिटी छुपी हुई है उसको बाहर निकालिए और उसको एक्सपेंड कीजिए। ग्लोबल लेवल पे आप लोग काम कर सकते हो हर कंट्री के अंदर। राइट नाउ आप 26 कंट्रीज के अंदर एटोमी में काम कर सकते हो, प्लस में 65+ कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस लेकर के जा सकते हो, ओके। तो आप सोच सकते हो कि ये एक ग्लोबल बिजनेस है, सिंगल आईडी ग्लोबल, घर बैठ करके अमेरिका, यूरोप, अमेरिका हो गया, यूरोप, जर्मनी, ओके, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हो जहाँ पे एटोमी ऑफिशियली चल रही है या वहाँ पे प्री लॉन्च में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो ग्लोबल बिजनेस के साथ साथ यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो आप अपना, और आप अपनी लाइफ के मालिक खुद बन सकते हो। डेफिनेटली सोर्स ऑफ कंटिन्यूस पैसिव इनकम कहा जाता है कि किसी भी जॉब या नौकरी के माध्यम से आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते हैं, और नौकरी के माध्यम से सभी लोग लाइफ को काटते हैं, जीता कोई नहीं है, ओके। और खर्चे, आपका जो एक्सपेंडिचर है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वो इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग आपको रिक्वायरमेंट होगी हमेशा। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में आप एटोमे को फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, दैट्स नॉट ए मैटर। बट अगर आप काम करते हो यहाँ पे सीरियसली, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो ये एक कंटिन्यूस पैसिव इनकम आपको देगा आपकी 3 जनरेशन तक, राइट। आने वाली 3 जनरेशन तक आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और करंट जो मार्केट का जो एनालिसिस है वो आपको समझना पड़ेगा। आज से हम 15 से 20 साल हो गए, हम घर में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं घर में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स। सुबह उठते ही टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ओके, फिर शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, बॉडी क्लेंजर हो गया, राइट। और उसके बाद ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स, उसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट्स, ओके, घर के अंदर किचन के आइटम्स, और रात तक सोते सोते आप लोग काफी और प्रोडक्ट यूज करते हो डेली डे टू लाइफ में। सेम पैसा लगाना है लेकिन जो प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, राइट। क्वालिटी, किसी में केमिकल्स होता है, कोई हर्बल नहीं होता, ऑर्गेनिक नहीं होता, अलग अलग पेस्टिसाइड्स मिलेंगे। तो आप जो भी सुपरमार्केट से सामान खरीद कर लाते हो 5,000 10,000 रुपए, हर व्यक्ति एज पर देयर अ फैमिली, ओके, मिडिल क्लास फैमिली की बात माने तो 5 से 10 हज़ार रुपया सभी लोग आइटम खरीदते हैं बाहर जो डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स है। और आपको पता है डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स सुबह से लेकर शाम तक, जब आप सुबह उठते हो रात को बेड में जाते हो, तो आप दिन में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करते हो। तो यहाँ पे करंट मार्केट का ट्रेंड सोचिए कि एटोमी एक फ्री बिजनेस है, और घर का जो सामान है सिंपल आपको कन्वर्ट करना है एटोमी के प्लेटफॉर्म पे, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको वो चीजें यहाँ से आप बाय कीजिए, आपको बढ़िया क्वालिटी का, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप लाखों ने करोड़ों रुपए कमाने की आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो बिजनेस आपका आपकी आने वाली 3 जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करेगा। सो आप सोचिए जो मार्केट का जो बास्केट एनालिसिस है उसको आपको समझना पड़ेगा। सेम पैसा आप शॉपिंग मॉल में लगाते हो, ई कॉमर्स साइट पे लगाते हो, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो भी डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स है, सेम प्रोडक्ट अगर आप एटोमी से बाई करते हो और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आपको हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे और सुंदर रहेंगे। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास 5 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली हाउस होल्ड जितने भी लेडीज एंड जेंटलमैन घर में यूज करते हैं सेम प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कंपेयर करने का सोचिए आप कि आपकी जो बास्केट है अभी तक जो घर में आई है
उसमें आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। दूसरी बात, सेम प्रोडक्ट्स आप एटोमी के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से बाई करते हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं, यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट, तो आप सोचो यहाँ पे आप कितना बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर सकते हो। दैट्स एनालिसिस ऑफ मार्केट। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज दिस होप, ओके, जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए एटोमी से, राइट। एटोमीज प्रोडक्ट आर टूल्स फॉर सक्सेस। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि एटोमी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आर टूल्स फॉर सक्सेस। जैसे कोई भी वार होती है तो उसमें हम लोग अपना एमुनेशंस वगैरह लेकर के जाते हैं, हथियार लेकर के जाते हैं और फिर वार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बंदूक लेकर के गए, गोली नहीं लेकर के गए। तो सेम वे में एटोमी के प्रोडक्ट्स आर टूल्स फॉर सक्सेस। अगर आपने एटोमी के प्रोडक्ट यूज नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से इसको यूज करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है सभी को पता है एटोमी इज ए कंज्यूमर ड्राइवन प्लेटफॉर्म, राइट। सो ये कंज्यूमर ड्राइवन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस मॉड्यूल को आपको समझना होगा। और इस जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हमारे सीईओ का एक ही टारगेट है कि आपको वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस विद मास्टेज स्ट्रेटजी प्रोडक्ट मास फॉर पीपल। सो हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी वो मास्टेज स्ट्रेटजी है, फॉर पीपल्स प्रेस्टीज क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट, थ्रू ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल से जीएसजीएस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया है तो फैमिली फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले इसको यूज करवाइए और वहीं से आपकी सक्सेस यहाँ पे स्टार्ट होगी। सो प्रोडक्ट्स आर टूल फॉर सक्सेस। नेक्स्ट बात करेंगे, और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ पेस्ट एंड ब्रश का, राइट, टूथपेस्ट एंड टूथ। सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि 10 लोगों को पेस्ट एंड ब्रश दीजिए, ओके। किसी को बड़ा प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है, दूसरे वैरायटी के सिंपल जो सुबह उठते ही आपको चाहिए टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, राइट। तो 10 टूथपेस्ट का सेट दीजिए आप या टूथपेस्ट। जब आप 10 टूथब्रश लोगों को देंगे, जब वो यूज करेंगे और डेफिनेटली उनको भी अच्छा लगेगा और उनको क्वालिटी का पता चलेगा। तो पेस्ट एंड ब्रश का सेट आप लोगों को दीजिए 10 लोगों को, राइट। इट्स द प्रोडक्ट चेंजेस द नेगेटिव इमेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव इमेज दूसरी कंपनियों ने बना रखी है अपने कंपनी का टर्नओवर मेंटेन करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ना करना अपने कंज्यूमर्स को, द मेन इंटेंशन ऑफ एवरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्ट सेलिंग, मेन कंसर्न टू मेक द प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर्स, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। हम आपको ये बोल रहे हैं सिर्फ आप 10 लोगों को 10 टूथब्रश दीजिए। अगर आपने उनको 10 टूथब्रश दे दिया तो इजिली सभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सुबह उठते ही आपको टूथपेस्ट एंड टूथब्रश की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल। और ये जो प्रोडक्ट है लोगों का परसेप्शन चेंज कर देगा नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज को लेकर, राइट। उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बाद आप उनको दूसरा प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए टूल पॉइंट है, सबसे पहले आप लोगों को टूथपेस्ट एंड टूथब्रश यूज करवाएं, सिंपल। उसके बाद आप उनको दूसरे प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के, हेल्थ सप्लीमेंट्स के, पर्सनल ओरल लिविंग एंड किचन, राइट। सो दिस इज द वे टू वर्क। जब आप ज्वाइन करते हैं एटोमी में तो आपको काम कैसे करना है, बेसिक स्ट्रेंथ है, आप पेस्ट एंड ब्रश से स्टार्ट कीजिए। 10 लोगों का टारगेट रखे कि इन लोगों को मेरे को प्रोडक्ट को रिटेल करना है, राइट। उसके बाद जब वो यूज करेंगे प्रोडक्ट का तो उनका जो परसेप्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है सिंपली, एटोमी में जब आए हो बहुत ही अच्छी कंपनी है तो एंजॉय लेकर के काम कीजिए कंपनी का, और कोई बर्डन या टेंशन लेकर के काम नहीं करना आपको बिल्कुल। सो हमारी जो फिलोसफी है उसको आपको फॉलो करना, यूज एंड शेयर स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट को यूज कीजिए और प्रोडक्ट को शेयर कीजिए नए मेंबर्स में। सो डेली नेसेसिटी यूज्ड बाय ऑल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि डेली जो जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज किए जाते हैं। टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ओके, शैम्पू हो गया, हेल्थ के सप्लीमेंट्स हो गए, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हो गया, किचन का हो गया, और हेल्थ के सप्लीमेंट्स अलग दूसरे हो गए। तो ये जो प्रोडक्ट है आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए कि आप अपने घर में डेली बेसिस पर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके लिस्ट बनाइए। सेम प्रोडक्ट सबसे पहले आप बाय कीजिए एटोमी के शॉपिंग पोर्टल पे खुद के लिए। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसकी क्वालिटी आपको पता चलेगी,
देन एंड देयर आप प्रोडक्ट को शेयर स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में ला सकते हो, यूज एंड शेयर स्ट्रेटजी। ओके, सो सबसे पहले तो 100% यूजर बनना आपका प्रोडक्ट का, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको शेयर करना है सिंपली, राइट। सो जो डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज किए जाते हैं, तो आपको लिस्ट बनाइए कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किस प्रकार के प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, एटॉमिक के प्रोडक्ट्स डिफरेंट किस प्रकार से दूसरे कंपनी से, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्यों हैं, इनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा। सो इस तरीके की चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, वो चीजें आप लोग तब बता पाओगे जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करोगे। ओके, सो आई होप कि सभी लोगों को, हो रही क्या सर, है क्या सर आवाज साफ आ रही है? हेलो, हाँ शारदा सर, अभी ठीक है, अभी राइट, ओके ओके, आप ठीक है कुछ सर, ओके सफल हो तो बताना आप मेरे को, राइट। ओके, सो जी सर। ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है काफी लोगों के दिमाग में कि मैं अपना जो स्ट्रेंथ है कंज्यूमर बेस कैसे बनाऊं, कंज्यूमर मेंबरशिप कैसे बनाऊं, तो ये आपको देखना है हाउ डू यू बिल्ड कंज्यूमर मेंबरशिप। सो इसमें डिफरेंट है, दो चीजें हैं, कंज्यूमर है और एक मेंबरशिप है। सो दोनों में डिफरेंस आपको फॉलो करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ डू यू बिल्ड कंज्यूमर मेंबरशिप। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंज्यूमर बनाना है किसी भी नए लीडर को, फ्रेंड्स को, फैमिली सर्कल्स को, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो लिस्ट है उसमें फोकस कीजिए कंज्यूमर बनाने के लिए। और कंज्यूमर जब वो बन जाएगा, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ही विल बी कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमर मेंबरशिप। सो कंज्यूमर बनाइए सबसे पहले, बिजनेस प्लान बाद में दीजिए, बहुत टाइम है, ठीक है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपके सामने जो प्रोफाइल है वो किस तरीके का प्रोफाइल है, वो कंज्यूमर बनना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, या एटॉमी बिजनेस बिल्ड करके अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है। तो थ्री टाइप्स के लोग आपको मिलेंगे और फोर्थ टाइप उसमें रिटेल वाला है। सो कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल हो गया, और बिजनेस बिल्डर। सो तीन से चार प्रकार के लोग मिलेंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके सामने वाला की जो प्रोफाइल है, फ्रंट आपके सामने जो है, जब आप उसको प्लान लेकर के जाते हैं तो किस तरीके का प्रोफाइल, ही वांट टू बिकम कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और बिजनेस ओनर्स। सो आपको डिसाइड करना है, कंसल्ट करना है ये किस टाइप का प्रोफाइल है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ट्राई वर्किंग हार्ड विद योर टीम। जब आपने कंज्यूमर्स बना दिए तो उनको एक महीने प्रोडक्ट्स यूज करने दो, विद इन द मंथ, विद इन 1 वीक उनको सिस्टम के अंदर डालना होता है। तो यहाँ पे एटोमी के अंदर सक्सेस होने की बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, अपनी टीम के साथ हर एक कंज्यूमर्स को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हर एक बिजनेस ओनर्स को बताइए डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू होता है उसका टीम के अंदर, और एक मेंबर रजिस्टर करता है मिनिमम डेली बेसिस पे, तो एक महीने के अंदर 30 कंज्यूमर बनते हैं उसके, ठीक है। और 10,000 पॉइंट वैल्यू के हिसाब से कितना हो गया, 3 लाख PV हो गया एक महीने के अंदर, फर्स्ट महीने के अंदर, राइट। सेकेंड महीने के अंदर वो एक कंज्यूमर है वो 10 लोगों को डुप्लीकेट करता है, तो आपका नेटवर्क कहाँ जाता है, सेकेंड महीने 300 क्रॉस करता है। और फोर्थ महीना ये जो 300 लोग हैं ये 10 10 लोगों को डुप्लीकेट करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू 3,000। सो दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है, डुप्लीकेशन करना है एंड मल्टीप्लीकेशन करना है। सो कलेक्ट 30 पीपल्स एंड फोकस ऑन फॉलोइंग अप विद देम। अब ये जो 30 लोग हैं, एक महीने के अंदर टारगेट रखिए, इनको आपने ज्वाइन तो करवा दिया, अब इनके साथ फॉलो अप करना है। फॉलो अप में काफी चीजें आती है, इनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, राइट। 100% कंज्यूमर्स बनना है। थर्ड, इनके साथ मिलकर इनकी लिस्ट पे काम करवाना है और इनको सिखाना है एटोमी के बारे में, और एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा इनको लीडर में कन्वर्ट करना है, पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ पे काम करना है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है कि जब आपने किसी लीडर को ज्वाइन करवाया तो उसके साथ मिलकर के आपको डेली एक्शन प्लान बनाना है, उसमें 10,000 PV डेली बेसिस पे और एक कंज्यूमर पर डे। सो हर एक मेंबरशिप के लिए ये करना होता है यहाँ पे टीम मेंबर। तो आपको फॉलो क्या करना है, 10,000 पॉइंट वैल्यू आपकी टीम से होना चाहिए एक दिन में मिनिमम, और एक कंज्यूमर बनाना है डेली बेसिस पे आपको। और एक महीना जब हो जाता है तो इन 30 लोगों के साथ आपको फोकस करना है, उनको फॉलो अप करना है उनकी टीम के साथ नेक्स्ट मंथ। अब सपोज कीजिए आपने कोई भी जो प्रोडक्ट है
आठ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 8 या 10 का टारगेट रखिए। जब भी कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है तो उसको बनाइए कि सिंपल आप 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, ठीक है, और उनको 8 लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कीजिए, 8 लोगों को एटॉमिक प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग बताइए, या 10 लोग सेलेक्ट किए तो सपोज करो उसमें से 8 लोगों ने बोला कि हाँ मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट्स को, राइट। सो आप उन 8 पे आपको फोकस करना है, और जो राइट साइड में जो 2 लोग बचे हुए हैं उनको फॉलोअप में डालना है, एटलीस्ट 7 टाइम मिनिमम आपको फॉलोअप करना है। और जब आप किसी भी व्यक्ति को 7 बार फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन हो जाते हैं, और उनको फॉलोअप लिस्ट में डाल करके कंटिन्यूसली आपको फॉलो करना है। अब क्या होगा, ये जो 8 व्यक्तियों को आपने प्रोडक्ट यूज करवाया है, सो इनको सबसे पहले तो हमारा जो कंज्यूमर ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और कंज्यूमर्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हमारे से हैंडगिल पार्क ने ये प्रोडक्ट को, इस कंपनी को डिजाइन किया है, ताकि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। 10 में से 8 लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, दे विल गेट सेटिस्फेक्शन, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा और उन्होंने प्रोडक्ट आगे शेयर किया। सो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर के काम करना है। व्हेन यू गेन ट्रस्ट स्टार्ट बिल्डिंग टीम। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होती है, आपने एक व्यक्ति को कंज्यूमर बनाया और उसको विश्वास हो गया कि यार एटोमे का प्रोडक्ट बेस्ट है। अब प्रोडक्ट बेस्ट होगा, उसको हो गया ट्रस्ट आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो काम करना स्टार्ट करेगा, उसको सिस्टम में डालिए, फॉलोअप में डालिए, ही विल स्टार्ट वर्किंग। सिंपल स्ट्रेटजी है, राइट। उसके बाद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आती है तीसरे नंबर की चीज जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाइनरी टीम स्ट्रक्चर। सो ये जो टीम स्ट्रक्चर है, आपको बाइनरी का मतलब, जब आप ज्वाइन होते हो तो फर्स्ट कंज्यूमर आपके लेफ्ट में डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, सेकंड आपके स्पॉन्सर से राइट में जाता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, थर्ड जो कंज्यूमर आया वो आपके या तो लेफ्ट वाले के स्पॉन्सर से उसके लेफ्ट में जाएगा, या राइट वाले के स्पॉन्सर से वो उसके लेफ्ट में जाएगा, राइट। सो इस तरीके की टीम स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करनी है, लेफ्ट साइड राइट साइड। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी टीम स्ट्रक्चर। थर्ड एंड फोर्थ लाइन इसमें ओपन नहीं होती है, बाइनरी में एक लेफ्ट में आ गया, आपके एक राइट में आ गया, फिर आपके टीम में जो भी लीडर्स आए उनको भी बोलिए आप एक लेफ्ट में एक राइट में, इस तरीके से बाइनरी टीम स्ट्रक्चर आपको बुलानी है। और ये एक यूएलएम कंसेप्ट है, यूएलएम का मतलब अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग। काफी कंपनीज में क्या होता है, इसमें कितने लेवल है, फर्स्ट लेवल सेकेंड और थर्ड, इसमें 3 लेवल दिखा रखे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। सो लेफ्ट में आप करोड़ों लेवल तक लोग ज्वाइन करवा सकते हो, राइट में भी आप करोड़ों लेवल तक ज्वाइन करवा सकते हो, और पीवी का बेनिफिट पूरी टीम को मिलता है। लेफ्ट में जो लास्ट में व्यक्ति परचेज करेगा उसका पीवी का बेनिफिट पूरी टीम में अप टू इम्पेल मास्टर तक जाएगा, राइट। सो ये स्ट्रेटजी है कंपनी की, यूएलएम अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग। अगर आप ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करते हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन यूएलएम, आप अनलिमिटेड लेवल प्लान में हो ही नहीं। अगर आप सिंगल साइड काम कर रहे हो तो भी आप बाइनरी टीम में हो ही नहीं, आपकी अर्निंग हो ही नहीं सकती। आपको यहाँ पे अर्न करना है तो दिस इज कॉल्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि आपको दोनों तरफ टीम बिल्ड करनी है, क्योंकि दोनों तरफ लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, हर प्रोडक्ट के बदले आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा, और पीवी इक्वल टू पैसा। सो पीवी मैचिंग लेफ्ट एंड राइट में होगा तभी आपको जनरल कमीशन यहाँ पे मिलेगा, तभी आप यहाँ पे एक बड़ा इनकम जनरेट कर पाओगे। सो स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन हुए हो तो आपका काम है लेफ्ट एंड राइट में अपनी टीम को डिवाइड करके रखना, 10 लेफ्ट में लगाइए, 10 राइट में, इस तरीके से आपको टीम के स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है ऑटो एजेंट लेवल है। तो जब आप ज्वाइन होते हो तो फोकस कीजिए कि जल्दी आपका जो पर्सनल पॉइंट वैल्यू है 3 लाख हो जाता है, 3 लाख पॉइंट वैल्यू यहाँ पे हो गया, तो आप यहाँ पे एजेंट लेवल पे काम करते हो, और एक एजेंट लेवल बनने के बाद आपका जो जनरल कमीशन है 3 लाख पीवी लेफ्ट से, 3 लाख पीवी राइट से। सो बेसिक स्ट्रेटजी क्या है कि आपको यहाँ पे कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है, सिंपल। बिजनेस बिल्डिंग के बारे में बाद में सोचना है, सबसे पहले कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है, और दोनों तरफ टीम को बिल्ड करना है, और दोनों तरफ आपने कंज्यूमर्स बना दिए तो कोई सामान खरीदेगा 40,000 पीवी का, कोई 5,000, कोई 10,000, तो जैसे ही 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होगा लेफ्ट एंड राइट में, आपको यहाँ पे 3964 की अर्निंग होगी, 3,964 रुपए की अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। और 1 महीने अगर आप इस तरीके से करते हो तो 1 लाख रुपए तक आप लोग पहुंच सकते हो, अगर 25 मैचिंग आपने ले ली 1 महीने में। फर्स्ट जो अर्निंग है 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू की, हो सकता है आपकी 10 दिन में हो सकता है 15 दिन में हो सकता है 1 महीने में हो, सेकंड महीने में 3 होंगी, 4 होंगी, थर्ड मंथ में महीने में आपकी 10 अर्निंग होंगी। तो ये एक
डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाते हो। तो यहाँ पे एक फोकस कीजिए कि टीम के अंदर मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करें एजेंट लेवल को आपके लेफ्ट में। और एजेंट लेवल को क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि खुद की आईडी पे जो भी सामान आप लोग खरीदते हो, अगर आप रिटेलर तो उसको रिटेल कर सकते हो, ताकि आप उसका 25% रिटेल बेनिफिट भी आप लोग उठा सकें। सेकंड, आप अपना पर्सनल पे भी ऐड करते रहे हो। थर्ड, और आप प्रोडक्ट को रिटेल करोगे तो एक रिटेल इनकम भी वहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे 3 लाख भी होता है आपका खुद का, उसके बाद आप लेफ्ट एंड राइट की टीम के ऊपर फोकस कीजिए, बिल्ड कीजिए कंज्यूमर्स का नेटवर्क। और आप रिटेल अगर आपको कंटिन्यूस करना है तो टीम में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट में कहीं भी, लाइक दैट। और मैक्सिमम फोकस कीजिए कि आपकी टीम के अंदर मैक्सिमम लोग 3-3 लाख पीवी का एजेंट लेवल क्वालिफाई करे, वहां से उनको एक अर्निंग स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट महीने में 10,000, 20,000, 30,000, तो स्टार्टिंग में 10,000 होगा, फिर 20, 30, 40, अप टू ये 50 लाख, $50,000। सो एटोमी का जो पोटेंशियल है मंथली, आप लोग यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा भी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या है, आपने सिस्टम को डुप्लीकेट किया किस तरीके से, किया आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अपने अपलाइन को। ये चीजें डिपेंड करती है आपके जो सक्सेस, आप सोचते क्या हो, करते क्या हो, लेकिन एक्शन प्लान क्या आपका डेली बेसिस पे, उस पर वेरी करता है कि आप सिस्टम बोलता है कि आपको फोकस करना है कंज्यूमर्स के नेटवर्क पे, धीरे धीरे आप प्रोडक्ट्स बाय कीजिए, घर में यूज कीजिए, और धीरे धीरे आपका पर्सनल पीवी बिल्ड हो जाएगा। अगर आप रिटेल कर सकते हैं तो रिटेल भी कीजिए। तो ये जो जितने भी बेनिफिट्स हैं, ज्वाइन होने के बाद आपको बेनिफिट्स लेना है तो सीखना होगा कि एटोमी से मैक्सिमम बेनिफिट्स किस प्रकार से आप लोग ले सकते हो। एटोमी का एक समुंदर है। अभी का जो टाइम है, पाइपलाइन जोड़ रहे हो, पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हो, और जब ये पाइपलाइन बिछ जाएगी तो इससे कितना भी पानी निकाल सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू, राइट। तो ये सोचना है कि आप एटोमी से कितना पैसा निकाल सकते हो, किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करके। मैक्सिमम लोगों पे फोकस कीजिए, लेफ्ट में मैक्सिमम लोग एजेंट लेवल हो, राइट में एजेंट लेवल हो, इस तरीके से 3-3 लाख पीवी जब पर्सनल बिल्ड हो जाता है तो वहां से एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे अच्छी खासी। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है ऑटो एजेंट लेवल पे। और जब आप ऑटो एजेंट लेवल पर आते हो तो यहाँ पे स्कोर 15 आपको मिलता है, पे आउट 3964, और 1 महीने में 24 या 25 अगर मैचिंग आप ले सकते हो तो ये एक छोटा सा लेवल है। इस पे अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए की अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हो, 99,100 अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर 1 लाख, राइट। सो एक छोटे से लेवल की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर तो बहुत समुंदर है एटो में, राइट। सो ये फर्स्ट लेवल अगर आपने अचीव कर लिया तो सेकंड लेवल भी आप लोग अचीव कर लोगे। सेकंड लेवल है सेल्स मास्टर का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। उसमें अभी का जो प्लेटफॉर्म है एटोमी, यहाँ से आपको सब कुछ मिलने वाला है, नाम भी, फेम भी, हेल्थ भी, वेल्थ भी, ड्रीम्स भी पूरे होंगे आपके, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप लोग विजिट भी करने वाले हो, राइट। और जब पूरे वर्ल्ड के अंदर विजिट करोगे अपने फैमिली के साथ, तो सारे ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स में एक विजिट भी होता है फॉरन, क्योंकि कंपनी के पैसे से आप जाओगे पूरे वर्ल्ड के अंदर विजिट करने, अच्छा घर बार गाड़ी, सारे के सारे जो ड्रीम्स आपके एटोमी फुलफिल कर सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के माध्यम से ये सारे ड्रीम्स कभी फुलफिल नहीं होते। और अगर आप बिजनेस के अंदर आए हो एटोमी में, और कोई व्यक्ति आपको, कोई कंपनी आपको महीने के 50 लाख 60 लाख अर्निंग दे सकती है, सो आपको उस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना चाहिए, ना कि सोचने के ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से ही सब कुछ होता है यहाँ पे। जब आपको पता है यहाँ से मैं 1 करोड़ रुपये निकाल सकता हूँ मंथली, तो उस पर फोकस कीजिए। 1 करोड़ रुपये आपको कैसे मिलेगा, टीम को बिल्ड कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स, गोल ऑफ लाइफ आप लोग सोचिए वो कंप्लीट होंगे। आज जो है आप, आपके डेली एक्शन प्लान की वजह से है, जहाँ भी जॉब हो, प्राइवेट सरकारी, दैट्स नॉट ए मैटर। और कंपनी एटोमी को आप फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, दैट्स नॉट ए मैटर। एटोमी क्या, एक माइंड सेट है। अगर आपका माइंड सेट 3 से 5 साल का है यहाँ पे, तो आप अपने ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट शॉर्ट टर्म है, देखो ज्यादा देर तक टिकने वाली चीजें के लिए मेहनत करना पड़ता है, और जो चीजें कम समय तक टिकती है वो तुरंत चली भी जाती है। तो एटॉमिक लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंड सेट की स्ट्रेटजी है, आपकी 3 जनरेशन तक का बिजनेस है ये, ना कि आपके खुद के लिए। तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हो, तो माइंड सेट आपका 3 to 5 years होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल। अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। एक डॉक्टर की डिग्री में 5 साल लगते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, और काफी लोग इस 5 साल के कोर्स में, 3 साल के कोर्स में गिव अप कर जाते हैं। अगर आप गिव अप यहाँ पे कर गए
तो आपके गोल्स जिंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे, एक जॉब से तो कभी नहीं होंगे, नौकरी से आप एक लग्जरियस लाइफ जिंदगी में नहीं जी पाओगे, लेकिन आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक लग्जरियस लाइफ दे सकता है, पूरे सुकून शांति, ड्रीम्स गोल्स आपके फुलफिल कर सकता है। तो उसकी एजुकेशन के लिए आप अपना 3 साल तो देना ही देना है आपको। डॉक्टर 5 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद भी उनकी लाइफ सिक्योर नहीं होती। अगर डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करके मेडिकल फील्ड में सीखेंगे नहीं, लर्निंग नहीं करेंगे, तो वो डॉक्टर नहीं कहला पाएंगे। उनका डॉक्टर का जो प्रोफेशनल है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। एक इंजीनियर 5 साल की पढ़ाई करता है, ठीक से स्टडी नहीं करेंगे 5 साल, तो उनको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। लाखों और करोड़ों का पैकेज उनको नहीं मिलता। जितने भी इंजीनियर्स आप लोग देख सकते हो, 10-15 हज़ार की जॉब मिलती है उनको 5 साल पढ़ाई करने के बाद। अगर वो 5 साल पढ़ाई अच्छी तरीके से करेंगे, जी जान लगा करके करेंगे, तो उनको लाखों का पैकेज मिल जाता है, 20-30-40 लाख का। तो एटोमी का जो पैकेज है वो बहुत बड़ा पैकेज है, मोर देन 50 लाख मंथली। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए किस पैकेज को आपको लेना है। पढ़ाई करनी है 3 साल आपको, सिंपल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना है, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना है। परफेक्ट कोई नहीं है अपनी लाइफ में, मैं भी सीख रहा हूँ और सीख करके सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ टीम वॉरियर सिस्टम। सो आप टीम वॉरियर के अंदर हो, आप चीजों को सीखिए। 3 साल एटलीस्ट आपको यहाँ पे सीखना है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। और 3 साल के बाद आपको यहाँ पे जो पैकेज मिलने वाला है सर, 50 लाख श्योर है, यहाँ पे 100% श्योर है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं मोर देन 50 लाख पर मंथ। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, डेली एक्शन प्लान पे काम करना पड़ेगा, पूरी टीम के साथ काम करना पड़ेगा, और अपनी जो पर्सनैलिटी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं करनी, वो मैं आगे बताता हूँ आपको, राइट। सो माइंडसेट सबसे पहले फोकस कीजिए 3 साल। जो लोग शॉर्ट टर्म के माइंडसेट के साथ आते हैं, अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप सेल्स मास्टर बन गए, डायमंड मास्टर बन गए, माइंडसेट कहीं भी गड़बड़ा गया, आप छोड़ के चले जाओगे। और जो लोग छोड़ के चले जाएंगे, वो पूरी उम्र भर छोड़ते ही रहते हैं, पकड़ते किसी भी चीज की नहीं है, और उनकी लाइफ भी ऐसे छोटा छोड़ी में चलती रहती है, दे आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन। तो एक बार किसी चीज में हाथ डाल दिया, लेट देम कंप्लीट, उसको कंप्लीट करके ही निकलना है आपको, और मैक्सिमम लोगों को हेल्प करना है। और ये जो बिजनेस है, इसमें आप लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं, तो ये जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पीछे उसका पूरा परिवार होता है, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो समाज को, सोसाइटी को भी एक प्रकार से, राइट। नेक्स्ट, अब जब आप ज्वाइन होने के बाद आपके अंदर ये सारी चीजें अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है वो कर ली, अब उसके बाद आता है कि आप कंज्यूमर से कन्वर्ट हो चुके हो लीडर में। और एक लीडर का रोल क्या क्या होता है, डेली एक्शन प्लान बाय ए लीडर, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट करना है, और ये जो गोल है 3 साल 5 साल का गोल सभी का इंपल मास्टर है, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म गोल। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है। तो अभी आप शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट करने हैं। जब आप शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट करते चलोगे, तो लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट थ्रू इट, ओके। सो सेट द गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपको सेट करना है नए मेंबर्स के लिए, 3 महीने में आपको क्वालिफाई करना है एजेंट लेवल, 3 महीने में टारगेट लेना है आपकी टीम। रिटर्न गोल होना चाहिए, सारी चीजें पेपर लिख करके चिपका दो अपने रूम के अंदर। जिस चीज को आप डेली देखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यूनिवर्स भी काम करेगा, आपको वो चीज पा सकते हो आप। सो गोल सेट कीजिए, एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, बाकी अपनी लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ भी गोल सेट कर सकते हैं। और जब आपने लिखना शुरू कर दिया, तो वो गोल आप कंप्लीट कर लोगे 100%। तो एक डायरी बनाइए, उसके अंदर गोल लिखिए एटॉमिक में, पहले 3 महीने का गोल। शॉर्ट टर्म गोल एजेंट लेवल क्वालिफाई करना है 3 महीने के अंदर। सेकेंड गोल आपका होना चाहिए एटलीस्ट आपको 100 से 300 लोगों की टीम बनानी है 3 महीने के अंदर। टारगेट कीजिए 100 to 300, ये 100 कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो 3 महीने में, 30, 50, 100, 200, 300। तो 30 से लेकर के 300 तक का एक टारगेट बनाइए कि आपको कितने लोगों की टीम बनानी है 3 महीने के अंदर। थर्ड गोल, आपको 3 महीने के अंदर एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू इंडिपेंडेंट बनना है। हर चीज आपको अपलाइन से सीख करके, डिपेंड नहीं होना है अपलाइन के ऊपर, अपलाइन से डेली कनेक्शन में रहना है, लेकिन जो चीजें अपलाइन आपको सिखा रहा है, तो वो चीजें अगर आप सीखोगे नहीं,
तो बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे, और अपलाइन भी काफी बिजी होता है, पूरा दिन शेड्यूल बहुत बिजी होता है। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। आपको सीखना पड़ेगा कि एटोमी क्या है, प्रोफाइल क्या है, कंपनसेशन प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और टीम को बिल्ड किस तरीके से बनते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो 3 महीने के अंदर खुद को नॉलेजफुल बनाना है आपको। उसके लिए भी आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो देखना है अपने हैंगिल पारक सर का, ठीक है, या अपने चैनल का यूट्यूब पे। सीखना है आपको 3 महीने तक इंडिपेंडेंट बनना है। 3 महीने के अंदर आपको फोकस करना है एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को लीडर बनाना है। जो चीज आप सीखते हो वही चीज आपको अपनी टीम के अंदर सिखानी है, लेफ्ट एंड राइट की टीम। सो अपने सभी बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर के आपको 10 से 20 नए लीडर पे फोकस करना है। 3 महीने का गोल बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल बता रहा हूँ, इजिली यू कैन अचीव इट, ओके। और 3 महीने के अंदर आप कितने कंज्यूमर्स बना रहे हैं वो आपको देखना है। 3 महीने के अंदर 30 कंज्यूमर्स बना सकते हो, 90 बना सकते हो, 100 बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप चीजों को स्मार्टली किस तरीके से काम कर सकते हो। ऑनलाइन भी काम करना है, ऑफलाइन भी काम करना है, और स्मार्टली भी काम करना है, राइट। सो सेट द गोल के अंदर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल बना रहा हूँ आपको। टीम साइज कितना होना चाहिए 3 महीने के अंदर, खुद का लेवल क्या होना चाहिए, खुद का पे आउट क्या होना चाहिए, कितने कंज्यूमर्स आप लोग बना सकते हो, कितने लीडर्स को आप डुप्लीकेट कर सकते हो, और 6th था इसमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आपको कंटिन्यूस लर्निंग फेज में काम करना है। लर्निंग लॉन्ग लाइफ लर्नर्स, LLL, वी आर ऑल लॉन्ग लाइफ लर्नर्स। सो इस पे आपको फोकस करना है। सो ये आपने गोल लिख लिया, सेट कर लिया कि 3 महीने के अंदर मेरे को एटोमी से इतना पेआउट चाहिए, इतना टीम साइज चाहिए, इतने लीडर्स मेरे को खड़े करने हैं। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर माइंड सेट नहीं होगा तो गोल तो भूल जाओ फिर आप, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल चीजें आप लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉलेज, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, 100% आपको कंज्यूमर बनना है प्रोडक्ट का, और फिर प्रोडक्ट के बारे में आप लोग अपने टेस्टिमोनियल्स बता सकते हैं, बेनिफिट्स बता सकते हैं, कैसे यूज करना है वो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को, ताकि लोग देखें, कनेक्ट हो आपसे, ज्वाइन हो आपके साथ। थर्ड, फोन कॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने एक कंज्यूमर बनाया और आपको उसको फोन कॉल करते रहना है, फॉलो 1 वीक में 2 टाइम्स एटलीस्ट कॉल्स करनी है, और लीडर्स से डेली बेसिस पे बात करनी है। कम्युनिकेशन गैप अगर आपका हो गया यहाँ पे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने किस लीडर को ज्वाइन करवाया था। डायरी में लिखना है, उसको फॉलो अप लिस्ट में डालना है, डेली एक्शन प्लान पे काम करना है। सो डेली एक्शन प्लान में फोन कॉल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने के नीचे जितने भी मेंबर्स हैं ज्वाइन किया आपके साथ, आपने फोन कॉल्स उनको नहीं किया, तो आप भूल जाएंगे कि किस लीडर को ज्वाइन किया था, और वो लीडर किस पोटेंशियल का है, कितना बड़ा काम कर सकता है आपके साथ मिलके, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। फोन कॉल करना बहुत जरूरी है। मेक ए लिस्ट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिस्ट में कौन कौन से लोग होने चाहिए आपको डिसाइड करना है। आपकी जो लिस्ट है उसी में से इम्पीरियल मास्टर लोग बनेंगे। सो लिस्ट में फैमिली से स्टार्ट करना है, किस किस को ज्वाइन करवाना है, लिस्ट में ज्वाइन करवाइए, कंज्यूमर बनाइए तुरंत, फ्री में आईडी लगा करके छोड़िए मत, उनको कंज्यूमर बनाइए एटलीस्ट। सो मेक ए लिस्ट, और आपके लिस्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के लोग होने चाहिए ये आपको फोकस करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर्स तो सभी होंगे होंगे। सेकंड, डॉक्टर्स पे फोकस कीजिए, ब्यूटिशियन पे फोकस कीजिए, कॉस्मोलॉजिस्ट पे फोकस कीजिए, ब्यूटी पार्लर पे फोकस कीजिए, सैलून पे फोकस कीजिए, डेंटल डॉक्टर पे फोकस कीजिए, प्राइवेट डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर फोकस कीजिए, बिजनेस मैन के ऊपर फोकस कीजिए, और पुराने नेटवर्कर्स हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, फ्रेश जो 18 से 20 साल के यंग एंटरप्रेनर्स हैं उनके साथ फोकस कीजिए। ये जो लिस्ट है, आपकी लिस्ट में जितने ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, अलग अलग कैटेगरी से प्रोफेशनल आएंगे, उतना ही बड़ा काम आपके साथ मिलकर के वो करेंगे। क्योंकि जितने भी इंडिया में अभी 140 करोड़ लोग हैं, तो आपको फोकस करना है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के ऊपर, और कब कौन सी कैटेगरी के कितने अच्छे लीडर्स आपके साथ मिलकर के बड़ा काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं, आपकी रीच आउट कैसी है, आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है मैक्सिमम लोगों तक, और जब वो प्रोडक्ट जाएगा उनके पास, वो शेयर होगा तो आपका टीम साइज भी बढ़ेगा। सो लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोन के अंदर जो लिस्ट है उसको पर फोकस मत कीजिए, डायरी में बनाइए। फोन के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हैं डेली बेसिस पर डायरी में लिखिए, जो ज्वाइन कर गए टिक मारिए, जो नहीं ज्वाइन किए क्रॉस लाइक डालिए, उनको फॉलोअप में डालिए। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है
लिस्ट में जितने भी लोग आते हैं उनको कंज्यूमर बनाइए, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है FIM कीजिए उनका ऑनलाइन ऑफलाइन या वीकली बेसिस, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसके बाद FIM करना बहुत जरूरी होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग कीजिए उनको, एटोमी के बारे में बता सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन बिजनेस, आपको बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए। शो द प्लान, जितने ज़्यादा प्लान आप दिखाओगे टीम के अंदर उतना ही बड़ा काम होगा। अगर आप एक हो तो एक प्लान दिखाओगे, आपके नीचे 10 लोग हैं तो वो एक दिन में एक एक प्लान भी दिखाएंगे, तो 10 लोग 10 प्लान होते हैं। टीम 100 की है तो हर व्यक्ति अगर प्लान दिखाएगा तो 100 प्लान दिखते हैं आपकी टीम के अंदर। कितने लोग ज्वाइन करेंगे, सिस्टम डुप्लीकेशन किस तरीके से होगी, आप लोग सोच सकते हो। तो बिजनेस क्या है, प्लान क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, फिर फॉलो अप लिस्ट, जितने भी लोग ज्वाइन किए उनको फॉलो अप लिस्ट में कंटिन्यूस फॉलो करना है, उनको सीखना है, सिखाना है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको समझानी है, और किस तरीके से काम करना है, सिस्टम को किस तरीके से फॉलो करना है, ये फॉलो अप लिस्ट में डाल करके उनको बताना है। फिर उसके बाद काउंसलिंग, जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास में आप हो, जनरली कॉलेज में हो, स्कूल में हो, दैट्स नॉट ए मैटर, जब आप स्टडी करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे और वो सोल्व भी की जाती हैं, तो आपको यहाँ पे काउंसिल करना है। काउंसलिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है आपको। नेक्स्ट डुप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपने सीखी है अपनी टीम के अंदर, डुप्लीकेट कीजिए, हर एक लीडर को बताइए, और ये कंटिन्यूस एक्शन प्लान पे काम कीजिए, आप लीडर यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, अब आता है आपके पास 100 लोगों की टीम है, 20 लोग उसमें एक्टिवली काम करेंगे, और ये जो 20 लोग हैं ये 100 लोगों को कंट्रोल करते हैं, तो आपका फोकस उन 20 लोगों को को लीडर की लिस्ट में लेकर के आइए। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है को लीडर में, आप किसी को भी डाल सकते हो, कोई मोर नहीं लगा रखी है हमने, राइट। तो को लीडर्स वो होते हैं जो डेली बेसिस पे एक्शन लेते हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। कोर लीडर का क्या एक्शन होता है वो सोचिए। सबसे पहले तो हमें खुद कंज्यूमर बनना है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है। उसके बाद को लीडर का सेकंड जो काम होता है अटेंड एटोमी कंपनी सेमिनार विद गेस्ट। एटोमी इंडिया के सेमिनार्स होते हैं, वनडे सेमिनार्स होते हैं, सेंटर सेमिनार्स होते हैं, सक्सेस अकेडमी के हमारे होते हैं महीने में 2 बार, ठीक है, एटोमी गुड शो होता है, ठीक है। सो जितने भी एटोमी इंडिया के कंपनी के सेमिनार्स होते हैं उसमें आपका काम है नए लोगों को इनवाइट कीजिए आप मैक्सिमम, ताकि नए लोगों को कंपनी का कल्चर पता चले, कंपनी के बारे में पता चले। तो कोर लीडर्स का काम होता है जब भी कोई सेमिनार हो आपके आसपास वहाँ पे आपको अपनी टीम को लेकर के जाना है, नए लोगों को मैक्सिमम। शो डेली वन प्लान एट लीस्ट, वैसे आप 5 प्लान भी दिखा सकते हो, 10 प्लान भी दिखा सकते हो, डिपेंड्स करता है आपकी लीडरशिप के ऊपर। तो मिनिमम 1 प्लान आपको दिखाना है, किसी को भी दिखाइए आप, लेकिन 1 प्लान आपको डेली बेसिस पे दिखाना है और ज्वाइन कराने के इरादे से दिखाना है, ना कि फॉर्मेलिटी, राइट। नेक्स्ट, मेक 2 कंज्यूमर्स पर डे। अगर आप 2 कंज्यूमर्स पर डे बनाते हैं और 10,000 PV डेली बनाते हैं तो आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और ये सिस्टम आपको ऊपर तक लेकर के जाएगा, इम्पिल मास्टर तक। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है, मेक 2 कंज्यूमर पर डे एंड 10,000 PV डेली, वॉच डेली 1 वीडियो, और एटोमी से रिलेटेड 1 वीडियो देखना है। हमारा खुद का चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए आप, और एटोमी CEO मिस्टर हेनरी पार्क का फॉलो कीजिए, एटोमी इंडिया का फॉलो कीजिए, डेली बेसिस पे 1 वीडियो देखना है। ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। कई बार क्या होता है ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसको माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसको ना एजुकेशन चाहिए, उसको कुछ सिखाना पड़ेगा माइंड को। सो आपका माइंड सेंटर में रहे, एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू रहे, तो उससे रिलेटेड वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, ताकि वो आपके आपको अपग्रेड करते रहेंगे, नॉलेज से अपडेट करते रहेंगे वीडियोस। नेक्स्ट, रीड गुड बुक्स डेली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दुनिया के जो टॉप 10 अरबपति खरबपति अमीर रिचेस्ट पर्सन है उन सभी में एक कॉमन हैबिट है, बिल गेट्स महीने के अंदर 30 बुक्स कंप्लीट करते हैं, महीने के अंदर 30 नई बुक्स पढ़ते हैं, और एलन मास्क की तो बात करना ही क्या है, 50 बुक पर मंथ वो नई बुक पढ़ते हैं, 50 बुक। मार्क जुकरबर्ग भी नई बुक पढ़ते हैं, मोर देन 20 बुक। तो ये जितने भी रिच पर्सन हैं उनको अपने माइंड को ट्रेंड करना है, अपग्रेड करना है, और बुक्स से बढ़िया कुछ भी चीज़ नहीं दुनिया के अंदर। अगर आप बुक्स पढ़ते हो अलग अलग, देखो एक बुक को बनाने के लिए
एक ऑथर होता है उसको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है। 3 साल का रिसर्च होता है एक बुक के ऊपर, 1 से 3 साल, 5 भी हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति ने पूरे मार्केट से, वर्ल्ड से एक बुक के ऊपर रिसर्च किया और अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखा, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस एक बुक के अंदर। तो आप अगर 1 महीने के अंदर 10 बुक पढ़ते हो तो कितने लोगों के लाइफ का जो एक्सपीरियंस आप लोग गेन करोगे। और पर्सनल लाइफ की जो बायोग्राफी होती है, एक्सपीरियंस होती है, वो प्रैक्टिकल होता है। तो ये चीजें, क्या पता कि किसी बुक के अंदर से कोई चीज ऐसी आपको मिले जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी अभी तक, और वो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। क्या पता आपको कोई अच्छी हैबिट मिल जाए, जो हैबिट आप अपनाओगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सके। सो बुक्स को पढ़ना सीखिए, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, एटोम में रिलेटेड, दैट्स योर चॉइस। जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड वो काम करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, और धीरे धीरे आप अपना जो गोल है उसको अचीव करेंगे। तो बुक्स पढ़िए, ये आपको और आपके नॉलेज को अपग्रेड करेगा डेली बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट, अब आता है बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि एटोमी के अंदर आ गए हो, इसके अंदर एथिक्स है, कल्चर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप सक्सेस बनना चाहते हो तो आपको कुछ बिजनेस के वैल्यूज है, एथिक्स है, अगर ये फॉलो नहीं करते हो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे आपको एटोमी की नॉलेज फुल हो गई हो, लेकिन अगर बिजनेस वैल्यूज आपके अंदर नहीं है तो वो टीम में भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो सबसे पहले खुद उन बिजनेस वैल्यूज को फॉलो करना है आपको। वो बिजनेस वैल्यू क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेवर टॉक नेगेटिव, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट अपलाइन डाउनलाइन। कभी भी कोई गलत बात, नेगेटिव बात अपलाइन से, डाउनलाइन से नहीं करनी है आपको। कोई भी नेगेटिव बात, लेट मे बी एनीथिंग। और कंपनी के बारे में भी कभी भी विदाउट कंफर्मेशन आपको कोई गलत बात नहीं बोलनी, ठीक है। अगर आपको अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपने स्पॉन्सर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप सर एटोमी में सक्सेस नहीं हो सकते। और जहाँ पे ट्रस्ट होगा वहाँ पे सक्सेस आप हो सकते हो। तो सबसे पहले आप को अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। अपलाइन सक्सेसफुल है तो वो आपको भी सक्सेसफुल बना सकता है अपने एक्सपीरियंस से, राइट। और हम सभी लोग यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके हमें चलना है यहाँ पे। और कंपनी के बारे में अगर आप नेगेटिव धारणा रखते हैं तो कंपनी कभी सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को, कोई भी हो। सो कंपनी के बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव हुई, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और विदाउट कंफर्मेशन कंपनी या अपने अपलाइन कोई भी नेगेटिव चीजें मार्केट में ना फैलाइए। सबसे पहले 100% कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट, नेवर प्ले विद पीपल ईगो। ईगो क्या होता है, हर आदमी के अंदर ईगो होता है। सो हमें किसी के ईगो के साथ नहीं खेलना। ईगो किसी प्रकार का हो सकता है, तो किसी के ईगो को आपको हर्ट नहीं करना है कभी भी। नेवर प्ले विद पीपल ईगो। कभी किसी को गलत नहीं बोलना है, यार तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, ये कभी नहीं बोलना। हौसला तोड़ना नहीं है किसी को भी, हौसला बनाना है आपको, सपोर्ट करना है, ब्रेक नहीं करना है ईगो। ईगो कई बार किसी का ब्रेक कर दिया तो वो जिंदगी में व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। हमेशा सपोर्टिव माइंडसेट के साथ काम करना आपको, और जब तक आपका माइंडसेट सपोर्टिव नहीं होगा तो आप यहाँ पर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो ईगो के साथ कभी नहीं खेलना है। नेवर प्ले विद पीपल्स मनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी टीम के अंदर किसी भी लीडर से पैसा नहीं लेना है आपको, उधार नहीं लेना है, उधार नहीं देना है। अगर आपने पैसा दे दिया तो वो पैसा वापस जिंदगी में नहीं आने वाला, और जब आप पैसा मांगेंगे तो रिलेशन खराब होंगे। और एटोमी है रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस, ना कि मनी रोटेशन का बिजनेस। कभी भी टीम के अंदर, लेफ्ट की टीम, राइट की टीम, अपलाइन डाउनलाइन, पैसा नहीं देना है किसी को और पैसा लेना भी नहीं है किसी से, ओके। सो अगर आपने पैसा ले लिया, किसी से लिया या दिया है, जब आप मांगेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बार बार कॉल करेंगे आपका कॉल पिकअप नहीं होगा, फिर यहाँ पे रिलेशन खराब होते, रिलेशन खराब, बिजनेस खराब। सो ऐसा हमने होते देखा है प्रैक्टिकली, ओके। आपने किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के टाइम हेल्प की, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति टाइम पे पैसा नहीं लौटा पाया, आपको रिक्वायरमेंट हुई, तो रिलेशन खराब, बिजनेस खराब, पूरा बिजनेस खत्म, फिनिश। सो आप पैसे का लेन देन अपनी फैमिली में रखिए,
बिजनेस और फैमिली और बिजनेस को अलग अलग रखना है। ओके सो आप यहाँ पे प्रोफेशनली काम कीजिए, लोगों के साथ पैसा लेन देन मत कीजिए टीम के अंदर कभी भी। आप अपनी फैमिली के अंदर लेन देन कर सकते हैं, दैट्स योर मैटर, योर पर्सनल इश्यू, लेकिन टीम में अगर आपने ये मनी का काम किया, पैसा उधार लिया दिया किसी को, तो आप अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस खुद खराब करेंगे। ये होता है प्रैक्टिकली और हुआ भी है काफी। ओके नेक्स्ट है रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन डाउनलाइंस, और डेली बेसिस पे आपको बात करनी है। अगर आप अपने स्पॉन्सर को नहीं बताएंगे कि आज मैंने क्या किया, मैंने क्या डिफिकल्टी फेस की, मेरे टीम में क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आपका स्पॉन्सर आपको हेल्प करेगा, उस चीज से निकालेगा आपको, क्योंकि अपलाइन भी कभी कंज्यूमर था, ये बात आपको समझनी है। सो कंज्यूमर से अपलाइन बना है तो किसी वजह से, किसी तरीके से अच्छा काम करके बना है, और कोई मास्टरशिप लेवल अचीव किया है तो मेहनत करके किया है, तो उस मास्टरशिप लेवल तक आपको पहुंचाएगा, बशर्ते आपको डेली बेसिस पे बात करनी है। ओके नेक्स्ट है कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, कंपनी से बात कीजिए, कोई भी नई चीज करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले, अदरवाइज कंपनी का सिस्टम फॉलो कीजिए, यू विल गेट सक्सेस। अब आता है एटोमी के 7 अप। एटोमी के 7 अप कौन कौन से, उस क्या आपको फोकस करना है। फर्स्ट जो 7 अप्स हैं, ये 7 अप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा अप ही जाएगा, डाउन कभी नहीं होगा। फर्स्ट है ड्रेसअप। कहा जाता है कि आदमी की पर्सनैलिटी उसकी परिभाषा देखती है। सो जब भी आप जाएं ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स के अंदर, आपकी वेल ड्रेस होनी चाहिए, जस्ट लाइक बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस टायर सूट। और अगर आप ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चले गए हैंकी पैंकी, तो अगला व्यक्ति देखेगा कि किस टाइप का बिजनेस मैन है ये, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। जो अच्छा कंज्यूमर बेस है, अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो ड्रेस सेंस भी देखते हैं सामने वाले का, राइट। तो ड्रेस सेंस आपका हमेशा अप टू द मार्क होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। सेकेंड क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप किसी को हेल्थ के प्रोडक्ट देने जा रहे हैं और आप भी खुद मोटे हैं, तो अगला बोलेगा ये तो खुद ही मोटा है, मैं इसे हेल्थ के सप्लीमेंट्स क्यों लूँ। ठीक है, तो अगर आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट किसी को देने जा रहे हैं, आपका चेहरे पे पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स है, डार्क सर्कल है, तो लोग कहेंगे यार इसका खुद का तो ठीक हुआ नहीं, मेरा क्या ठीक करेगा ये। तो सबसे अपने आपको ड्रेस सेंस में रख करके बिल्कुल फिट होकर के जाना है। थर्ड है शो ऑफ। कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना है, बटरिंग नहीं करना है कभी भी किसी को, मैं तेरे को ये दे दूंगा वो दे दूंगा। ये जो बिजनेस है इसमें पीवी रोटेशन मनी रोटेशन का काम नहीं है, तो पीवी और मनी इनको कभी रोटेट नहीं करना है टीम के अंदर, कभी भी कंज्यूमर बेस के ऊपर काम करना है, और ये चीजें शो अप नहीं करने, मैं तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, दोनों साइड काम करने का माइंड सेट फोकस करना है, लेफ्ट एंड राइट टीम बिल्ड करना है। ओके सो ये 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना, शो अप किसी भी चीज का नहीं करना है आपको लाइफ के अंदर। जो लोग शो अप करते हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते, वो डाउनफॉल होना ही उनका। सो यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आपको अपने आप की पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपको कंपनी 50 लाख रुपए क्यों देगी महीने की, बताइए क्या खास है कुछ आप में? उस 50 लाख तक जाने के लिए आपको 50 लाख कमाने लायक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको, और उस पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को अपग्रेड करोगे तो डेफिनेटली यू विल गो इंटेल मास्टर। सो ये जो जर्नी है 3 से 5 साल की, इसमें आपकी पर्सनैलिटी तो 100% चेंज नहीं है, तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर नहीं करते हो तो यू विल डाउनफॉल, सिंपल स्ट्रेटजी। और पर्सनैलिटी चेंज होगी तो सब कुछ चेंज हो गया, तो ये आपको करना, शो अप नहीं करना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शट अप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रूल्स होते हैं, कार्डिनल रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें से लास्ट स्लाइड में मैं भी कुछ रूल्स बता चुका हूँ। तो शट अप का मतलब ये होता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सबसे पहले तो आपको पब्लिक स्पीकर बनना है यहाँ पे, और पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, आपको क्या बोलना है ये सीखना है अपने अपलाइन से, जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको सीखना है, कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो पब्लिक स्पीकिंग के। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो उसमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, बोलना तो हम सीख जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है
और 100 साल की एज तक हम जिंदगी में सीखते रहते हैं कुछ, लेकिन कभी हम बोलना नहीं सीखते. फैक्ट है ये, फैक्ट है, बीटर ट्रूथ है, बीटर ट्रूथ. ओके, सो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ये आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे. और ये अगर आप सीख जाते हैं, यू विल गेट सक्सेसफुल 100%. यू विल बी द नेक्स्ट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, योर फैमिली. ओके, नेक्स्ट है पे अप. आपका मेन टारगेट है एटॉमिक के अंदर अपना पेमेंट लेवल, अपना पेमेंट, अपना अर्निंग लेवल आप यहाँ पे अप करने के लिए आए हो. तो वो काम कीजिए जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो लोग मास्टरशिप लेवल अचीव कर चुके हैं एटॉमिक के अंदर, अपना पे ग्रेड अप कर चुके हैं, उन लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए. उन लोगों ने क्या क्या एक्शन लिए हैं, किस एक्शन प्लान पे काम किए हैं, क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं, और यहाँ पे आप अपने आप को पे डाउन करने के लिए नहीं आए. मनी रोटेशन कभी नहीं करना टीम के अंदर, ठीक है. सो पे अप के लिए आए, तो उस अप को करने के लिए, पेमेंट को अपग्रेड करने के लिए मंथली आप क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट है चीयर अप. चीयर अप का मतलब हमेशा खुशी रहना, आपको खुश रहना है, बी हैप्पी ऑलवेज. जितने भी कोई भी एजेंट लेवल क्वालिफाई करता है, चीयर अप, गुड शो, उसको थैंक्स बोलो और उसको अप्रिशिएट करो. जब भी कोई कंज्यूमर बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, उसको चीयर अप करो, उसको भी अप्रिशिएट करो, बूस्ट अप करो. सो आप टीम के अंदर लोगों को अप्रिशिएट करते रहेंगे, बूस्ट अप करते रहेंगे, इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा, माइंडसेट भी बढ़ेगा और उनको अच्छा भी लगेगा और वो ज़्यादा काम करेंगे. और आप किसी को चीयर अप नहीं करते हो, किसी की सक्सेस को देख करके जेलसी फील करते हो, तो जब आप सक्सेस होगे तो आपको देख करके भी सारे लोग जेलसी फील करते हो. कोई भी व्यक्ति सक्सेस होता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, चीयर अप कीजिए. एटॉमिक का कल्चर यही सिखाता है. नेक्स्ट टर्न सर आपकी भी है. अगर आप किसी को चीयर अप नहीं करेंगे, जेलसी फील करेंगे, या तो सेल्स मास्टर बन गया, या डायमंड चला गया, इसने ये ले लिया, इसने वो ले लिया, तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, और वो नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट कर रही है आपके चारों तरफ, आपका बिजनेस खराब करेगी. अगर आप पॉजिटिव सोचते हो किसी के बारे में, तो पॉजिटिव एनर्जी अप्रेश वाइब्रेट करेगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको सक्सेसफुल बनाएगी. आज वो सेल्स मास्टर है, राम है, कल श्याम है, परसों सोहन है, रमेश है, सुरेश है, लाइक दैट. ऐसे एक साइकिल है, ये चलती रहेगी हमेशा. सो हमेशा आपको चीयर अप करना है, किसी भी व्यक्ति की सक्सेस में चीयर अप करना है. लास्ट बट लीस्ट, नेवर गिव अप. आप एटोमी के अंदर आ गए हो तो जरूरी नहीं कि सारे लोग सक्सेसफुल होंगे. फैक्ट बता रहा हूँ, शायद आपको हो सकता है बुरा भी लगे. ओके, 100 लोग हैं, 100 के 100 सक्सेस हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, 100 में से 90 लोग गिव अप नहीं करेंगे, तो 100% वो सक्सेस होंगे, इस बात की गारंटी है. सो गिव अप यहाँ पे नहीं करना है. मैंने स्टार्टिंग में बोला था एटॉमिक माइंडसेट का गेम है. अगर आपका माइंडसेट 3 to 5 years का है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता. 3 साल के अंदर आप यहाँ पे 50 लाख के आदमी बन रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर. और वो पैसा आपके 3 जनरेशन तक जाने वाला है, बहुत बड़ी बात है. सो नेवर गिव अप. एक बार आपने एटॉमिक के अंदर आ गए हो, तो इम्पेल मास्टर बनने से पहले किसी की नहीं सुननी. किसी की नहीं सुननी मतलब नेगेटिव आदमी की, नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं लानी है. हमेशा कंपनी पे बिलीव करना है, अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करना है, सिस्टम पे बिलीव करना है. और सिस्टम को फॉलो नहीं किया आपने, तो बड़ा काम नहीं कर सकते हो. और हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है टीम वॉरियर, 3 साल सिस्टम को फॉलो कीजिए, ये सिस्टम आपकी नेक्स्ट जनरेशन, जो 3 जनरेशन वहां तक काम करेगा, ठीक है. सो सिस्टम को फॉलो कीजिए. सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और सिस्टम के अंदर टीम को डालना भी बहुत जरूरी है. एक राइट पाथ वे ऑफ गाइडलाइंस आपको मिलेगा यहाँ पे हमारे अलग अलग मास्टर्स के द्वारा, राइट. सो नेवर गिव अप. आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ पे. और हमारे टीम वाले के अंदर अभी तक 24 सेल्स मास्टर, 1 सेमी सेल्स मास्टर, 4 डायमंड मास्टर, 8 एजुकेशन सेंटर हेड, 1 SRM. और इस साल काफी लोग सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बनने वाले हैं, और एजुकेशन सेंटर भी नए ओपन होने वाले हैं, राइट. सो हमारा सिस्टम प्रूवन है, हमारे लीडर्स प्रूवन है, रिजल्ट आपके सामने है. नेक्स्ट टर्न आपकी है. सो हम फोकस कर रहे हैं, आप नेक्स्ट सेल्स मास्टर जाइए, डायमंड मास्टर जाइए, मिलके पूरी टीम के साथ हमें काम करना है. और किस चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है, वो चीज़ आप डिस्कस कीजिए. ऑनलाइन मीटिंग चाहिए, ऑफलाइन मीटिंग चाहिए, सो फोकस करना है. और अभी कोरोना नहीं है कहीं पे, तो फोकस कीजिए ऑफलाइन मीटिंग के ऊपर. सो टीम वही देखती है जो हमारा प्लान करता है. ओके, सो आप फोकस कीजिए मैक्सिमम ऑफलाइन मीटिंग्स के ऊपर, और गिव अप नहीं करना है यहाँ पे. 3 to 5 years में अगर कंटिन्यूस काम करते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपल मास्टर आप बनने वाले हो, राइट.
मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट स्लाइड, एटॉमिक सिस्टम सेमिनार। आपको एजुकेशन सिस्टम भी फॉलो करना है, सेंटर मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपके आसपास कोई सेंटर है तो वो मीटिंग अटेंड करनी है, वन डे सेमिनार्स अटेंड करने हैं, कंपनी के सक्सेस एकेडमी इंडिया एंड कोरिया के सेमिनार्स अटेंड करने हैं, यूनाइटेड हर्ट्स। और जब तक हम हार्ट टू हार्ट मिल के काम नहीं करेंगे, ईर्ष्या और देश भावना रखेंगे, आपस में जेलसी फील करेंगे, नेगेटिव नकारात्मक बातें सोचेंगे टीम के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, ये चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सभी का यूनाइटेड हार्ट के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, टीम को बिल्ड करना है, और दैट्स कॉल्ड सक्सेस। और हमारे जितने भी 28-30 मास्टर्सशिप हैं, ये पूरी टीम का हार्ड वर्क है पिछले 4 से 5 साल का, राइट? एक व्यक्ति का इंडिविजुअल नहीं, पूरी टीम की मेहनत है, और इस पूरी टीम की मेहनत अभी इस साल में काफ़ी मास्टरशिप भी हमारी आने वाली है, राइट? और मास्टरशिप प्लान्स करेंगे हम सभी लीडर्स का, तो आप लोग टारगेट सेट कीजिए 3 मंथ 6 मंथ, और 11 नवंबर को एटोमी इंडिया की थर्ड एनिवर्सरी है। आई वांट टू सी यू एवरी लीडर को हम चाहते हैं कि स्टेज पे देखना एज ए सेल्स मास्टर, डायमंड SRM, ऑटो सेल्स मास्टर, ओके? सो उस चीज़ को फोकस कीजिए, फील कीजिए, आप एटोमी इंडिया के स्टेज पे हो और हम लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। सो दैट्स अवर ड्रीम, ओके? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट तक बने रहने के लिए, राइट? सो थैंक यू वंस अगेन सभी लीडर्स का। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओवर टू यू सर, शारदा सर। शारदा सर सुनाई दे रहा आपको? हेलो, हाँ सर, हेलो। और किसी भी लीडर का कोई भी क्वेश्चन? थैंक यू, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, आ रही है। थैंक यू सर, जबरदस्त फैबुलस, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा आउटसाइड था तो, बट आपका सेशन सर डेफिनेटली रियली, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। रियल में आपने आज काफी पॉइंट्स रिमाइंडर करवाए लोगों को, काफी अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि एक्चुअली हमें ये चीजें पता है कि क्या चीज करनी है, लेकिन ये भी पता चलना चाहिए क्या चीजें नहीं करनी। तो डेफिनेटली आपने वो सब चीजें बताई है, इसके लिए मैं देन अगेन थैंक यू सो मच। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रेगुलर हमारे लिए ऐसे सेशंस रखें ताकि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। और डेफिनेटली टीम वॉरियर के अंदर बहुत अच्छे लीडर्स हैं और अच्छे लीडर्स और नए आए हैं, तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। शारदा सर, ओवर टू यू सर। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो नेटवर्क डाउन है क्या आपका? ओके, नो इश्यू। और किसी भी लीडर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट किया जाएगा आपको और आंसर किया जाएगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? राठौर सर, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया। जितने मैंने आज तक सेशन देखे ना एटमी इंडिया में, सबसे बड़ा सेशन था, सबसे बेस्ट सेशन था। सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है सेशन से लेकर। तो डेली एक्शन प्लान है, अगर आपको कितना भी बड़ा लीडर बन लो, आप सबसे बड़ी चीज आपका डेली एक्शन प्लान, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को लगातार 3 मिनट डेली एक्शन प्लान से करोगे तो आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा। उससे आपका इतना बड़ा बिजनेस डेवलप होगा, आप खुद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो राठौर सर ने जो बात बताई है क्या क्या चीजें करनी है, इतने लोगों को प्लान दिखाना है, डुप्लीकेट कोई दिमाग मत लगाइए, बस सारा सिस्टम को फॉलो करिए, आप 100% सक्सेस होने वाले हैं। और हम सब आपके साथ हैं, 2023 हमारा है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। एंड राठौर सर, अगेन आपको थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। रजत सर, थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली रजत सर हमारे आने वाले सेल्स मास्टर हैं, ऑटो सेल्स मास्टर हैं और डायमंड मास्टर हैं। बहुत जल्दी रजत सर अचीव करने वाले हैं सारी की सारी चीजें। सो थैंक यू वेरी मच सर। और अगेन मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ सभी लीडर्स को आज के सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। सभी को थैंक यू वंस अगेन। और अभी हम मीटिंग फिनिश कर रहे हैं, और फिर भी किसी भी लीडर का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और वी विल आंसर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड गुड नाइट सभी को, एंड सी यू ऑन द टॉप। लेट्स मीट ऑन टॉप वेरी सून। कम ऑन, लेट्स डू इट। थैंक यू वेरी मच सभी लीडर्स को, एंड गुड नाइट।